किसान भाइयों, आज मैं आपको मिर्च में लीफ कर्ल जो एक विषाणु जनित बीमारी है उसकी रोग की रोकथाम के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, जो लीफ कर्ल बीमारी है मिर्च में, वो विषाणु जनित बीमारी है जो बेगोमो वायरस, जो वंश है बेगोमो वंश, उस वायरस के कारण ये फैलती है। किसान भाइयों, इस बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधों में सफ़ेद मक्खी, जिसको व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, बेमाशिया टेबेकाई जो मक्खी होती है वो रोग ग्रसित पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलाती है। किसान भाइयों, इस रोग में जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, वो मोटी दिखाई देती हैं, जैसा कि आप इस पौधे में देख रहे हैं। ध्यान से आप देखें कि जो पत्तियां हैं उनमें पीलापन आ गया है, पत्तियां सिकुड़ रही हैं और चमकीली हो गई हैं, इनकी जो पत्तियां हैं उसकी मोटाई भी ज़्यादा हो गई है। इस तरह से अभी ये शुरुआत है, बाद में कुछ दिनों बाद ये पूरा पौधा एक गुच्छे का रूप ले लेता है, जिसके कारण पौधा मरता नहीं है लेकिन उसकी फलने की क्षमता, फल छोटे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और उपज में काफ़ी कमी आती है। किसान भाइयों, मिर्च में लीफ कर्ल रोग की रोकथाम के लिए हमें एक एक रोग प्रबंधन प्रणाली अपनाना होगा। इसके लिए खेत की तैयारी के समय 2 क्विंटल नीम की खली प्रति एकड़ खेत की अंतिम जुताई के समय डालें। इसके बाद इंसेक्ट प्रूफ नेट, 40 मेस की इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस के अंदर नर्सरी तैयार करें, पौध तैयार करें और पौध को रोपण के पूर्व उनकी जड़ों का ट्रीटमेंट करें। इसके लिए इमीडा क्लोपेड 17.8% SL 0.3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर मिर्च की जड़ों को 20 मिनट तक डुबोएं, इसके बाद उनकी रोपाई करें। खेत में जैसे ही आपको बीमारी ग्रसित, जैसे मैंने बताया, जैसे 1 या 2 या 10 पौधे दिखाई दें, उनको तुरंत उखाड़ कर खेत से बाहर ले जाकर गड्ढा खोद कर उसमें दबा दें और इसकी जो बाहक कीट है जिसको ट्रांसमिट करती है रोग को, सफ़ेद मक्खी, उस सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए पायरीप्रोक्सीफेन 10% EC 200 ml प्रति एकड़ 120 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या फेनप्रोप्रेथिन 30% EC 100 से 136 ml प्रति एकड़ 300 से 400 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करेंगे तो आपको सफ़ेद मक्खी पे नियंत्रण मिलेगा। साथ ही सफ़ेद मक्खी की निगरानी के लिए 1 एकड़ में 10 पीले चिपचिपे कार्ड आप लगाएं, जिससे आपको सफ़ेद मक्खी की स्थिति का पता लगता रहेगा। तो इस तरह से आप नीम की खली का इस्तेमाल करें, स्वस्थ पौध तैयार करें, मिर्च की जड़ों को ट्रीटमेंट करने के बाद रोपाई करें, सफ़ेद वो पीले रंग के कार्ड लगाएं। और मैंने दो कीटनाशक बताए सफ़ेद मक्खी के लिए, उनको अदल बदल कर 14-14 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो मिर्च में लीफ कर्ल रोग पे आप प्रबंधन कर पाएंगे और आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।